Welcome students. Today's topic is issue of shares as application, allotment and calls. आज का हमारा टॉपिक है अंशों को आवेदन के रूप में, आवंटन के रूप में और कॉल्स के रूप में पैसे की प्राप्ति के बदले जारी किया जाना। जैसा कि हम जानते हैं, कंपनियों में दो प्रकार का शेयर्स इशू किया जा सकता है। एक है हमारा इक्विटी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेजेंट वीडियो जो है हमारा इक्विटी शेयर्स के इशू से रिलेटेड है, और उसमें भी शेयर्स जब कैश के रूप में पैसा लेकर के जारी किया जाता है और कैश का भी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट एज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स के रूप में बांट करके पैसा लेकर के जब शेयर्स को इशू किया जाता है, इसी की जानकारी हम इस प्रेजेंट वीडियो में आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं, पेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इक्विटी शेयर्स का पैसा या शेयर्स के इशू का जो रेट होता है वो एट पार भी होता है और एट पी में, तो दोनों कंडीशन में विथ एग्जांपल हम आपको इसकी जानकारी शेयर्स इक्विटी शेयर्स के इशू से संबंधित जानकारी प्रेजेंट वीडियो में पेश करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, इसमें सबसे जरूरी चीज आपको ये याद रखना है कंपनियों के द्वारा पब्लिक के बीच में शेयर्स तभी इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, जब उसके वर्थ को, वैल्यू को ले लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि वर्थ या वैल्यू कैश में ही लिया जाए, वो सर्विसेज या काम करवा करके उसके बदले में भी पेमेंट के रूप में शेयर्स इशू किया जा सकता है, एसेट्स परचेज करने के बदले में भी शेयर्स इशू किया जा सकता है, या नगद पैसा लेकर के भी शेयर्स इशू किया जा सकता है। कैश रिसीव करने की जब बात आती है तो कैश के प्राप्ति का दो जरिया है, या तो पूरा रेट एक साथ ले लिया जाए जिसको लमसम इशू कहते हैं, या उस रेट के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करके एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स के प्रोसेस में लिया जाए। बट प्रेजेंट वीडियो में हम रेट को डिस्ट्रीब्यूट करके इशू करने की प्रक्रिया की जानकारी देने जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि पब्लिक के बीच में जब शेयर्स इशू किया जाता है तो जैसा कि अभी हम बतलाए, अदर देन कैश और फॉर एसेट्स एंड सर्विसेज में भी जारी किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है, या फॉर कैश टू द पब्लिक, नगद पैसा लेकर के भी जारी किया, नगद पैसा लमसम या एक मुश्त लिया जा सकता है, या एज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स के रूप में उस रेट को बांट करके, डिस्ट्रीब्यूट करके इंस्टॉलमेंट में लिया जा सकता है। इसके पश्चात हम आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो स्टेप्स जिससे कि पब्लिक के बीच में पैसा के बदले में शेयर्स इशू किया जाता है, उन स्टेप्स की जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी जब बनती है या बीच में कभी भी जब कंपनी को कैपिटल का रिक्वायरमेंट आता है तो उस कंडीशन में प्रॉस्पेक्टस पब्लिक के बीच में इशू की करती है। प्रॉस्पेक्टस अर्थात जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी रहता है, कंपनी कब बनी है, किस ऑब्जेक्टिव से बनी है, कौन उसके प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स हैं, या ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या है, क्या कैपिटल है, किस एरिया में वर्क करेगी, किस कमोडिटी का वर्क करेगी, इंटायर इंफॉर्मेशन। और अगर पास्ट से चला रहा है कंपनी तो ऐसी स्थिति में उसका क्या रिजल्ट आया है, क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या प्रॉफिट लॉस रहा है, क्या फाइनेंशियल पोजिशन रही है, हर एक बातों की जानकारी प्रॉस्पेक्टस में दी जाती है। इसके बाद जब प्रॉस्पेक्टस पब्लिक के बीच में चला जाता है तो पब्लिक उस प्रॉस्पेक्टस या प्रविवरण को देखने के पश्चात जो इंटरेस्टेड है कंपनी में शेयर्स परचेज करने के लिए, शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। कंपनियां शेयर्स इशू करने की प्रक्रिया को के लिए किसी इंस्टीट्यूशन या बैंक को ऑथराइज कर देती है, तो एप्लीकेशन उसी बैंक या ऑथराइज सेंटर में पहुंचता है। इस तरीके से आवेदन की प्राप्ति के पश्चात और आवेदन के साथ साथ आवेदन का पैसा भी देना जरूरी होता है, तो एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन का डिपॉजिट अमाउंट उस संबंधित बैंक या ऑथराइज्ड पर्सन इंस्टीट्यूशन के पास पहुंच जाता है। उसके पश्चात जब इसकी पूरी जानकारी आ जाती है, डेट समाप्त हो जाता है एप्लीकेशन देने का, इस बात की पूरी जानकारी उस ऑथराइज्ड सेंटर या के द्वारा कंपनी को दे दी जाती है।
या बैंक के द्वारा कंपनी को इसकी पूरी जानकारी दे दी जाती है और फिर कंपनी के डायरेक्टर्स इशू करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट आया है या नहीं। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं आया है तो कंपनी के द्वारा शेयर इशू नहीं किया जा सकता है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट का लिमिट है 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। जितना शेयर हम इशू करना चाहते हैं उसका 90% मिल गया है तभी जाकर के कंपनियां शेयर इशू कर सकती है। और इसके पश्चात जब ये अलॉटमेंट या कंफर्मेशन ऑफ द शेयर्स की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, अलॉटमेंट का पैसा मिल जाता है, तो कंपनी के द्वारा बचे हुए पैसे के लिए जब जरूरत होती है कॉल्स के रूप में पैसा प्राप्त किया जाता है, मांगा जाता है। इस कॉल्स के दो, ये कॉल्स या रिमेनिंग अमाउंट जो है जरूरी नहीं कि एक ही बार में ले लिया जाए, एक से अधिक कॉल्स के रूप में भी लिया जा सकता है। यदि एक से अधिक कॉल्स के रूप में लिया जा सकता है तो मिनिमम 1 मंथ का इंटरवल होना चाहिए दो कॉल के बीच में, और साथ ही साथ 14 डेज अर्लियर हमें हर एक कॉल के लिए पेमेंट करने के उद्देश्य से पब्लिक के बीच में नोटिस देना अनिवार्य होता है। ये सभी कानूनी प्रावधान है। इस तरीके से इन स्टेप्स के माध्यम से, इन स्टेप्स की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पैसा मिल जाता है और कंपनियों के द्वारा शेयर्स इशू कर दिया जाता है। इसके पश्चात हम आपके सामने में जानकारी देने जा रहे हैं कि जब हम इक्विटी शेयर्स एज पर एज एप्लीकेशन एज अलॉटमेंट एज कॉल्स के रूप में पैसे लेने के लिए इशू करते हैं तो रेट जो होता है आप पहले से भी जानते हैं, या तो एट पार में कंपनी के द्वारा शेयर्स को इशू किया जा सकता है एट प्रीमियम। तो इस वीडियो में हम एट पार रेट से इशू की जानकारी आपके सामने में देने जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है एट पार का क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले ये जरूरी है, शेयर्स आर सेट टू बी इशूड एट पार, तभी हम शेयर्स को एट पार रेट से इशू मानेंगे जबकि उसका इशू उसके फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के बराबर रेट में इशू किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में ही हम उसे इशू करने की प्रक्रिया में जाते हैं तो इसे हम इशू एट पार के नाम से जानते हैं। कंडीशंस एंड अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स के इशू का क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या अकाउंटिंग है, तो कंडीशन तो हम बताए, कुछ पैसा एप्लीकेशन में लिया जाएगा, कुछ अलॉटमेंट में और कुछ कॉल्स में। जहां तक एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स की बात है तो ये पूरा चैप्टर यानी इशू ऑफ शेयर्स एज फुल्ली पेड, सॉरी इशू ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश पेमेंट के आधार पर इशू ऑफ शेयर्स जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स की प्रक्रिया में जारी किया जाता है तो टोटल 6 जर्नल एंट्री पर बेस्ड है पूरी अकाउंटिंग प्रक्रिया। इशू ऑफ शेयर्स की पूरी अकाउंटिंग 6 जर्नल एंट्री पर बेस है, बेसिक एंट्री यही 6 है। हाँ, एप्लीकेशन के लिए हर एक स्टेज के लिए 2-2 एंट्री है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स। जहां तक एप्लीकेशन की बात है तो एप्लीकेशन में जैसा कि हम जानते हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए मस्ट बी मिनिमम टू पार्टी, कम से कम 2 पक्ष होने चाहिए। यहाँ पर 1 पक्ष तो कंपनी है लेकिन जब हम इशू करना चाहते हैं शेयर्स को तो प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस के बेसिस पर एप्लीकेशन आता है। तो इशू करने के समय में जब एप्लीकेशन मांगने की प्रक्रिया है तो इस एप्लीकेशन डिमांड को हम, मांग को हम ट्रांजेक्शन ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि मांग के समय में 2 पक्ष स्पष्ट नहीं है। 1 पक्ष तो कंपनी है लेकिन दूसरा पक्ष क्राउड है, पब्लिक है, भीड़ है, और भीड़ या पब्लिक को हम पार्टी नहीं मान सकते, स्पष्ट रूप से दूसरा पक्ष होना चाहिए। इसी कारण से जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा कंपनी में रिसीव होता है, एप्लीकेशन लोग देते हैं, वैसे ही दूसरा पक्ष क्लियर हो गया कि किस किस ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अर्थात एक पार्टी कंपनी और दूसरा पार्टी जो एप्लीकेशन का पैसा दिया। इसलिए एप्लीकेशन स्टेज में पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के लिए करते हैं और फिर एप्लीकेशन का पैसा मिला हो या अलॉटमेंट का मिला हो या कॉल्स का मिला हो, सब मिला करके जब हम कंबाइंड करते हैं तो ये शेयर कैपिटल कहलाता है। सभी अमाउंट कैपिटल है, कैपिटल के रेट को डिस्ट्रीब्यूट करके लिया जा रहा है, इसलिए फाइनली हम हर एक स्टेज में उसको कंबाइंड करते जाते हैं कैपिटल के नाम से। तो एप्लीकेशन स्टेज में भी हम एप्लीकेशन का पैसा मिलने के बाद हम उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अब अगला स्टेज अलॉटमेंट। अब हमें मालूम है कि किसने अप्लाई किया है, उसी से अलॉटमेंट किया, उसी को कंफर्म करना है और अलॉटमेंट का पैसा मांगना है। इसी कारण से अलॉटमेंट की प्रक्रिया में पहले पैसा मांगने की एंट्री बनेगी, पहले कैपिटल वाली एंट्री बनेगी और तब फिर अलॉटमेंट रिसीव होगा। इसी तरीके से आगे कॉल्स में भी
पहले कंपनी डिमांड करेगी, ड्यू करेगी, कंपनी के लिए रिसीवेबल होगा कॉल्स अमाउंट एंड देन कॉल्स अमाउंट रिसीव्ड होगा। अगर कॉल्स दो पार्ट में है तो हर एक पार्ट के लिए, चूंकि टाइम गैप है और जर्नल एंट्री का प्रिंसिपल आप जानते हैं डेट वाइज होता है, इसलिए हर एक पार्ट के लिए यानी फर्स्ट कॉल के लिए अलग दो एंट्री का सेट बनेगा और फिर फाइनल कॉल के लिए अलग दो एंट्री का सेट बनेगा। यानी हर एक स्टेज में दो एंट्री का सेट है। एप्लीकेशन में पहली एंट्री हम बनाएंगे एप्लीकेशन रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट हुए इक्विटी सेल्स एप्लीकेशन अकाउंट, और देन उसे हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे इक्विटी सेल्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सेल्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में पहले ड्यू या रिसीवेबल की एंट्री बनेगी, पहले एंट्री कैपिटल पर्पज से बनेगी इक्विटी सेल्स अलॉटमेंट टू सेल्स कैपिटल एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सेल्स कॉल्स सॉरी अलॉटमेंट अकाउंट। और एग्जैक्टली इसी तरीके से कॉल्स में इक्विटी सेल्स कॉल्स टू सेल्स कैपिटल एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सेल्स कॉल्स अकाउंट। यही छह एंट्री है, इस पर बेस्ड है हमारा पूरी इशू ऑफ शेयर्स, कंसीडर इशू ऑफ शेयर्स एज एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स की पूरी की पूरी अकाउंटिंग इसी बेसिक छह एंट्री पर आधारित है। इसी तरीके से इन बातों को समझने के लिए हम एक एग्जांपल आपके सामने में लेने जा रहे हैं, जबकि इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार का कंडीशन है। एक एग्जांपल हम आपके सामने में लेने जा रहे हैं और एग्जांपल है ए लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, रेट्स है रुपीज 1, 2, 3 and 4, मींस एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का ये रिस्पेक्टिव रेट्स है। द शेयर्स वेयर अप्लाइड एंड मनी रिसीव्ड पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन इसका देने जा रहे हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ए लिमिटेड टू रिकॉर्ड इशू ऑफ शेयर्स। कॉलम जैसा कि जानते हैं ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए चार कॉलम की जरूरत होती है, लेकिन अमाउंट्स का चूंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का कॉलम बनेगा इसलिए टोटल हम पांच कॉलम कह सकते हैं। इस तरीके से सबसे पहले डेट ऑफ एप्लीकेशन में एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है, मिलने के लिए बैंक वाली एंट्री हम आपको ये भी बताया पहले करनी चाहिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 1 ईच, इस तरीके से 5000 रुपीज हमें प्राप्त होगा। इस फिर इसको हम इमीडिएट तुरंत इसे कैपिटल के स्थान पर ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट से ट्रांसफर हो जाना है। नेक्स्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट डेट रहेगा तो मेंशन करेंगे, डेट नहीं तो इसी तरीके से डेट ऑफ अलॉटमेंट डेट के कॉलम में लिखेंगे इक्विटी सेल्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये रिसीवेबल का कंडीशन है, 5000 शेयर्स 2 रुपए के रेट से अलॉटमेंट का रेट था, अब इसके बाद इसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सेल्स अलॉटमेंट 10000 रुपीज से। नेक्स्ट एंट्री हमारी आएगी फर्स्ट कॉल के लिए, तो फर्स्ट कॉल में भी पहले हम कॉल करेंगे, रिसीवेबल होगा ड्यू होगा इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5000 इनटू रुपीस 3 रुपीस ईच, फर्स्ट कॉल का रेट है 15000 से। नेक्स्ट हमारा फिर ये अमाउंट रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 15000 से। नेक्स्ट एंट्री बनेगी फाइनल कॉल ड्यू करने के लिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल मनी ऑन 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस 4 ईच इज रिसीवेबल और ड्यू 20,000 रुपीस से, रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरीके से हमारा इस एग्जांपल का आंसर या सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। लेकिन जैसा कि अभी अभी हम बतलाए थे कि शेयर्स इशू करने का दो रेट होता है, एक एट पार दूसरा एट प्रीमियम, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम है तब क्या अकाउंटिंग होगी, अब हम आपको आगे इसी की जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब जो फेस वैल्यू है शेयर्स का अगर उस फेस वैल्यू से नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा रेट में कंपनियां शेयर्स बेचती है इशू करती है इशू करने में सफलता पाती है तो इसे हम इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब सवाल है प्रीमियम पर क्यों इशू किया जाता है, तो इसके पीछे में रीजन है कंपनी का नाम है, पब्लिक के बीच में इमेज है, रेयर कमोडिटी का बिजनेस कर रही है या ऐसा बिजनेस का सर्कमस्टांस बन गया है कि डिमांड पब्लिक के बीच में बहुत ज्यादा है, इस कंडीशन में कंपनियां अपने शेयर्स के प्राइस को अपने फेस वैल्यू से उसके रेट से बढ़ा करके बेचती है और ये कंडीशन है हमारा इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जैसे 10 रुपए का शेयर है और उसको हम 10.5, 11, 12, 11, 13, 14 किसी भी रेट में इशू करते हैं तो इस कंडीशन को ही हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब कंडीशंस एंड अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, कंडीशंस तो आप जान चुके हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स का होता है और हर एक स्टेज में दो एंट्री बनती है, एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री बनेगी
और फिर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। जहां तक प्रीमियम अमाउंट की बात है, अब सवाल यहां पर ये उठता है कि प्रीमियम अमाउंट की अकाउंटिंग जनरली कब होना चाहिए, तो निश्चित रूप से एप्लीकेशन कोई कंफर्मेशन नहीं है कि शेयर्स दिया ही जाएगा, और जिसे शेयर्स दिया जाएगा उसी से प्रीमियम अमाउंट हमें मांग करना चाहिए। अलॉटमेंट इज द स्टेज ऑफ कंफर्मेशन ऑफ द शेयर्स, दैट्स व्हाई प्रीमियम अमाउंट जनरली मोस्टली डिमांडेड और रिसीवेबल ड्यूरिंग अलॉटमेंट पीरियड, ड्यूरिंग अलॉटमेंट स्टेज। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, और 95% क्वेश्चन में अलॉटमेंट स्टेज में ही प्रीमियम के रेट को इंक्लूड करके बतलाया जाएगा, दिया जाएगा। इसी कारण से हम उसी को बेस मान करके अब अभी जानकारी भी देने जा रहे हैं, एग्जाम्पल में भी इसी बेस को लेकर के हम सॉल्यूशन भी देंगे। फिलहाल प्रीमियम कंपनी के लिए गेन है, फायदा है, इसलिए अकाउंटिंग का साइड क्रेडिट में जाएगा, अर्थात एंट्री बढ़ेगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम, कुछ भी लिख सकते हैं प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम में प्रीमियम का रेट जाएगा, कैपिटल में एट पार वैल्यू वाला रेट जाएगा, और अलॉटमेंट में दोनों के अमाउंट को कंबाइंड करके लिखेंगे। इसके पास बाद हम रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीव होगा, तो प्रीमियम के साथ वाले रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद कॉल्स में भी पहले ड्यू करेंगे, ड्यू के लिए एंट्री आप जानते हैं इक्विटी शेयर कॉल्स टू शेयर कैपिटल, और फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल्स अकाउंट। नेक्स्ट हमारा इस पॉइंट को सॉल्व करके एक एग्जांपल के रूप में सॉल्व करके बतलाएं तो ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा स्पष्ट जानकारी हो पाएगी। इसी कारण से हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 लिए हैं। ए लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट रुपीज 13 ईच। यहाँ पर 10 रुपए वाले शेयर्स को 13 रुपए में इशू किया जा रहा है, इसका मतलब 3 रुपए प्रीमियम का, और रेट्स इस तरीके से डिवाइडेड है 1, 5, 3 and 4, इस तरीके से आ जाता है टोटल 13 रुपीज। अब 13 में जैसा कि हम बतलाए, अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तब भी हमें कहाँ पे अज्यूम करना चाहिए प्रीमियम, तो ऑलवेज अलॉटमेंट के रेट के साथ। अलॉटमेंट का रेट हमारा 5 है, इसका मतलब उसमें से 3 प्रीमियम है, 2 अलॉटमेंट है। इस तरीके से सभी पैसा मांगा गया और जरूरत पड़ने पर सभी पैसा मिल भी गया। इससे रिलेटेड कंपनी की पुस्तक में जर्नल एंट्री बनाई है। तो कॉलम बनाने के बाद हम अकाउंटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में प्रीमियम का कोई संबंध नहीं है, इसलिए एप्लीकेशन की वही एंट्री होगी जो पास्ट में हम बताए थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। 5000 शेयर्स है, यहाँ पर भी 1 रुपी रेट है एप्लीकेशन का, इन टोटल 5000 रुपीज से होगा। इसे हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अलॉटमेंट। जैसा कि बताया अलॉटमेंट में 5 रुपए में आउट ऑफ 5 रुपीज 3 रुपीज इज प्रीमियम अमाउंट एंड 2 रुपीज इज एक्चुअली अलॉटमेंट और कैपिटल अमाउंट। याद रखना है कैपिटल अमाउंट एट पार वैल्यू से होगा, तो एट पार वैल्यू 3 रुपए अगर हम माइनस कर दें 5 में से प्रीमियम हटा दें तो 2 ही रुपया बचता है। एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए गेन है, फायदा है, नॉमिनल नेचर के अनुसार से हम क्रेडिट करते हैं, एज पर रूल ही अकाउंटिंग होती है, जर्नल भी बनता है हमेशा, इसी कारण से यहाँ पर प्रीमियम को क्रेडिट किया गया है। हमारा 5000 शेयर्स है, 5 रुपीज इन टोटल है इंक्लूडिंग प्रीमियम, 25000 रुपीज अलॉटमेंट में मांगा गया है, जिसमें से 2 रुपीज के रेट से कैपिटल अमाउंट है और 3 रुपीज के रेट से प्रीमियम है। नरेशन में हमने बताया अलॉटमेंट मनी ऑन 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच इंक्लूडिंग 3 फॉर प्रीमियम इज रिसीवेबल। नेक्स्ट फिर रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। जब डिमांड किए 5 रुपए के रेट से तो मिलना भी चाहिए, मिल भी रहा है, इस क्वेश्चन में सभी पैसा मिल गया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25000 से। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसी क्वेश्चन के आगे फर्स्ट कॉल का स्टेज। फर्स्ट कॉल के स्टेज में हमारी अकाउंटिंग होगी इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब सिंपल है, प्रीमियम का कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट हो गया, सॉल्व हो चुका है। अब तो जैसे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की अकाउंटिंग होती थी उसी तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट कॉल में पहले हम ड्यू या रिसीवेबल की एंट्री बनाएंगे इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रेट है 3 रुपीज फर्स्ट कॉल का, 5000 नंबर ऑफ शेयर्स है, इसका मतलब 15000 अमाउंट आ गया। फिर रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल। कोई डिफरेंस या प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसलिए टोटल 15000 रिसीव हो जाएगा। लास्ट स्टेज आता है हमारा फाइनल कॉल, इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर डिमांड करेंगे और फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल्स अकाउंट। इस प्रकार से इशू ऑफ शेयर्स,
issue of equity shares at par or at premium as application allotment calls की पूरी प्रक्रिया की जानकारी हम आपके सामने में विद एग्जांपल पेश कर चुके हैं। फिर भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जरूर डालिए। हम इस लेवल तक के प्रॉब्लम की जानकारी इसी वीडियो के कमेंट की जानकारी का आंसर का उत्तर या जानकारी हम आपको प्रेजेंट करेंगे, पेश करेंगे। इसके पश्चात अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक कीजिए, आवश्यक रूप से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट पार एट प्रीमियम। थैंक यू।